एक बार एक साधु राजा के महल पर आ पहुंचे। उनका प्रभाव ही ऐसा था कि उनको रोकने की किसी में भी हिम्मत नहीं थी। वो साधु सीधे राजा के दिव्य दरबार में आ पहुंचे। राजा ने बड़ी विनम्रता से प्रणाम किए और कहा, महात्मा मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? साधु बोले, मुझे इस विश्रामालय में 2 दिन रहना है। राजा बोला, किंतु महात्मा ये कोई विश्रामालय नहीं, ये मेरा भव्य महल है। साधु ने तुरंत पूछा, तुमसे पहले यहाँ कौन रहता था? राजा ने कहा, पहले मेरे पिताजी इस भवन पर राज करते थे, लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। साधु ने पूछा, उससे पहले? राजा बोला, उससे पहले मेरे दादा यहाँ रहते थे। तब वो साधु ने बहुत ही विनम्रता से कहा, सुनो राजन, तुम्हें समझना है तो समझ जाओ। जिस जगह पर लोग आते हैं, कुछ समय तक रहते हैं और चले जाते हैं, उसे विश्रामालय ही कहते हैं, और तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारा महल है। ये सुनते ही राजा तुरंत साधु के चरणों में पड़ गया। देखो बॉस, श्रीमद् भगवद गीता में भी यही बात दोहराई गई है कि ना तो ये शरीर तुम्हारा है और ना ही तुम इस शरीर के मालिक हो। ये 5 तत्वों से बना शरीर एक दिन इन्हीं 5 तत्वों में मिल जाएगा। तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, इसीलिए अच्छे कर्म करे, कांड नहीं।